हेलो एवरीवन। और आज जैसे कि सबको ही पता है शनिवार का दिन है और बुलबुल आने वाला है, मतलब बुलबुल जो चक्रवाती तूफान है वो आने वाला है। और ये मैं सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, सुबह मतलब 12:30-1 बजे का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितना तेज़ गति से हवा चल रही है और बारिश भी, और इसका अभी भी 110 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जा रहा है। और ये सुनने में आया है कि मौसम विभाग के अनुसार, हमारे जो भारतीय मौसम विभाग है उन लोगों के अनुसार ये सुनने में आया है कि बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उससे टकराएगा, और टकराने के बाद फिर, और ये टकराने की संभावना है 11:00 बजे के बाद, और टकरा कर उसकी गति स्लो हो जाएगी, ऐसा मौसम विभाग के अनुसार बोला जा रहा है। कि और ये काफ़ी चिंतादायक स्थिति है, और इस चिंतादायक स्थिति में मतलब हम लोगों की जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, वो कंट्रोल रूम में जाके कंटिन्यू नज़र रखी हुई हैं, और मतलब वहाँ से निर्देश दे रही हैं कि क्या करने होगा नहीं करने होगा। जैसे कि वो मुख्यमंत्री हैं वो अपना काम कर रही हैं, और 11 बजे के बाद भी इसकी गति और भी तेज़ होने की संभावना है, मतलब जैसा कि खतरा बढ़ने का संभावना है। अभी क्या होगा ये बोला नहीं जा पा रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे साउंड दे रही हूँ, 12 बज गए हैं, लेकिन अभी भी हवा की गति काफ़ी तेज़ है, और सारा दिन इतना तेज़ बारिश हुआ है कि असंभव, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, मतलब 2 दिनों से इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि हम लोगों का जो पुखूर है पास का वो कंटिन्यू माने मीडियम बारिश ही हो रहा है, बहुत भारी बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और बुलबुल जो चक्रवात है वो तो काफ़ी डेंजरस होता है, कोई भी चक्रवात हो वो, चाहे वो इसके पहले भी कितना सारा, मुझे अभी तो फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कितना सारा चक्रवात आया है जिसके कारण से, मतलब पिछले साल भी एक उरी ना क्या बोल के ऐसा कुछ आया था जिसके वजह से कुछ खतरा नहीं हो पाया बंगाल में, वो चला गया था उड़ीसा होते हुए चला गया था, लेकिन उड़ीसा में उसने काफ़ी मतलब खतरा हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे। और अभी यहाँ पे बंगाल में भी सुने हैं कि इतनी भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या 2 लोग तो न्यूज़ में बोला जा रहा है, लेकिन मरते 100 हैं तो दिखाया 2 जाता है, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जाता है। याद नहीं, सभी जानते हैं इस चीज़ को, ताकि लोगों में आक्रोश न बढ़ जाए। और ऐसे ही है, और काफ़ी लोगों को इस मौसम की वजह से परेशानी भी हो रहा है, और 2 दिनों से लोग जितना कम हो सके निकलने का कोशिश किए हैं। यहाँ तक कि मेरे घर का भी हालत कुछ ऐसे ही है, मतलब मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो ना पढ़ने गया है और ना ही मेरे हस्बैंड काम में गए हैं, वो मतलब थोड़ा सा लेजीनेस भी आ रहा है, ये सब के साथ ही हो रहा है। इस वेदर में कंटिन्यू बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ठंडा भी ज़्यादा लग रहा है, और मैंने शरीर भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वेदर में। और ये छत में जाके मैं वहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ, इतना तेज़ हवा चल रहा है कि वहाँ पे खड़ा हो पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ये जो हम लोगों का बुलबुल चक्रवात है, मतलब साइक्लोन है, मौसम विभाग के अनुसार ये जब बंगाल और बांग्लादेश की खाड़ी से जब टकराएगा तो उसके बाद वही का जो गति है वो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब लेकिन टकराने के बाद जो क्षति होगा वो अभी कैसे बोला जाए कि कितना क्षति हो जा सकता है, भगवान करे कि कुछ अच्छा अच्छा ही हो, क्योंकि फिर ज़्यादा ही खतरा हो सकता है। और क्या है, जैसा कि उड़ीसा में, उड़ीसा या पूरी में मतलब देखा गया है कि बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, तो रात को होने वाला है, तो कुछ भगवान करे कि घर ना आए कहीं दूसरे जगह से ही, मतलब पहाड़ी इलाकों से ही होके चला जाए। और क्या, क्योंकि ये सब चक्रवात वगैरह काफ़ी डेंजरस होते हैं, जो लोगों की क्षति कर देते हैं या घर या कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने चक्रवात में इतना ज़्यादा, साइक्लोन में इतना ज़्यादा ताकत रहता है कि बोला नहीं जा पा रहा है, वो सभी को पता है कि साइक्लोन में कितना ज़्यादा ताकत होता है, पूरा बारी का बारी उड़ा लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा छाता भी यहाँ पे ठहर नहीं पा रहा है, छाता भी टूट चुका है मेरा। हम लोग छत में एंजॉय लेने आए थे, मैं और मेरा बेटा, रात मैंने दिन में 12-1 बजे,
और छाता ठहर नहीं रहा है, पूरा मैं भींग गई थी छाता लेने के बावजूद भी। अब देखिए हवा कितनी तेज गति से चल रहा है, काफ़ी पेड़ पौधे काफ़ी हिल रहे हैं, जबकि ये काफ़ी भारी भारी पेड़ पौधे हैं तब भी। अरे बापरे आ क्या बाबू बुलबुल। और अभी मैं रात को 12 बजे आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन बारिश बुलबुल की गति और तेज हो गई है और हवा भी थोड़ा और भी तेजी से चल रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या होगा या नहीं होगा। अरे भूल गया चाहता था। सारे पेड़ पौधे, दिन में भी काफ़ी तेज गति से बारिश हो रहा था और मैं मतलब छत में ठहर नहीं पाई बोल के मैं चली आई हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे छाता का हालत क्या हो गया है, कैसे क्या हो गया ये मेरा छाता इस बुलबुल के वजह से। तो यही है और मैं फिर चली आ रही हूँ नीचे। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी, आज जैसा कि बरसाती वेदर है तो मैं बनाई थी आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में, और सॉस के साथ मैं सर्व की थी। एक्चुअली रात को डिनर में जब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो टमाटर की मीठी चटनी मैं बनाती हूँ, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में काफ़ी हड़बड़ में बनता है और इसलिए मैंने सॉस के साथ ही उसे सर्व कर दिया था। मैं चटनी का झमेला नहीं करने गई क्योंकि मैं उठती हूँ काफ़ी लेट और सोती भी हूँ काफ़ी लेट और उठती भी हूँ काफ़ी लेट, तो इसकी वजह से। और ये 2-3 दिनों से कपड़ा जो साइड में पड़ा हुआ था आप लोग देख पा रहे हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, ये मेरा पराठा मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए, मिलेंगे फिर कल।